Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSAT, today we will discuss speed, time and distance. स्पीड टाइम और डिस्टेंस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, साथ ही डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. ओके, सभी जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में. स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट फिर. चलिए देखिए, अब अगर हम बात करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, तो अब ये क्वेश्चन देखो आपके पास स्क्रीन पे है. क्या है क्वेश्चन? कि एक ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन कार. अब यहाँ पे परसेंटेज भी साथ में ही आ गया. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप चाहे कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, उनके बेसिक्स आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है. मानी परसेंटेज, रेशियो, एवरेज. ओके, अब ये तीन ऐसे हैं, चाहे आप DI कर रहे हो बेटा तो DI में भी यूज़ होंगे, आप कोई पर्टिकुलर दूसरे किसी टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पर भी यूज़ होंगे. ठीक है, केस स्टडीज़ पर कोई क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर भी यूज़ हो जाएंगे. क्लियर? तो नंबर सिस्टम में भी इवन रेशियो का कंसेप्ट आ जाता है, तो आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो आप इनको तो अच्छे से प्रिपेयर कर ही लीजिए. ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे थे हम. क्या था क्वेश्चन? ए ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर देन ए कार, बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम एंड रीच एट पॉइंट 75 किलोमीटर अवे फ्रॉम ए एट द सेम टाइम. अब कह रहा है कि जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड 50% ज़्यादा है, फिर भी क्या हो रहा है कि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही हैं. रीज़न बताया उसने कि क्या रीज़न है. ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस अबाउट 12.5 मिनट्स वाइल स्टॉपिंग एट द स्टेशंस. स्टेशंस पे उसको कितना टाइम लग गया? हाँ जी, 12.5 मिनट्स का टाइम लग गया. द स्पीड ऑफ द कार इज, तो कार की स्पीड बताइए. ओके, अब देखो बेटा उसने क्या कहा, 50% फास्टर. सबसे पहले आपको परसेंटेज का कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर. 50% की वैल्यू क्या होती है आपके पास में? 1/2. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में ये जो है कार, ठीक है, ये क्या है उसकी फास्टर वैल्यू. तो अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो ट्रेन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3. और यू कैन से द रेशियो बिटवीन ट्रेन एंड कार विल बी 3:2. ओके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एक तो ये वाला तरीका है, या आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या कह रहा है कि 50% ज्यादा है, तो दैट मींस कि कितनी होगी? 150% दैट मींस कि 3/2. किससे ज्यादा है? कार से. तो जो ये देन वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर होता है. ठीक है, तो दैट मींस कि ये हो गया कार और ये क्या हो गया आपके पास में? ट्रेन. दोनों की रेशियो आ गई आपके पास, रेशियो आ गई. अगर दोनों की रेशियो आ गई दैट मींस यू कैन से द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 3x एंड दिस इज 2x. कोई इसमें इश्यू? बिल्कुल क्लियर है. अब देखिए, अगर हम टाइम की बात करें तो ट्रेन को टाइम लगेगा कम, कार को टाइम लगेगा ज्यादा. दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.5 मिनट्स का. 12 क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रही है. तो अगर हम टाइम देखें तो टाइम क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर. दैट मीन्स कि 75 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए कार को कितना टाइम लगेगा? डिवाइडेड बाई 2x. ठीक है, और ट्रेन को कितना टाइम लगेगा? 72 डिवाइडेड बाई 2x. ट्रेन पहले पहुंच जाती है उसको कम टाइम लगेगा, बट उसको रुकने में उतना ही टाइम लग गया. तो कितना? 12.5 मिनट्स. अब बेटा ये मिनट्स में है तो इसको क्या करोगे आप? आर में कन्वर्ट करोगे. पहले तो इसका पॉइंट रिमूव करते हैं. पॉइंट को जब आप रिमूव करोगे तो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 10. और जब इसको आर में कन्वर्ट करोगे दैट मींस कि डिवाइडेड बाय 60. क्लियर? सॉल्व करिए कितना आगे करेंगे. तो ये हो गया आपके पास में, सॉरी एक मिनट, ये हो गया बेटा 3. ये देखिए, ये है ट्रेन और ये है आपके पास कार. तो ट्रेन की स्पीड कितनी थी आपके पास? 3x. सो दिस विल बी 3. एक बार लिखते टाइम पे 2 लिखा गया बेटा, 3 आएगा. ओके, करेक्ट कर लीजिए सभी. कितना आ जाएगा ये आपके पास में? ये हो गया आपके पास में आप 225. ओके, अगर मैं एलसीएम लेती हूँ 6x विल बी द एलसीएम. ओके, तो ये माइनस, ये कितना हो गया बेटा? 150 इज इक्वल टू 125/10 इंटू 60. जब आप इसको एक तरह से सॉल्व करोगे तो अगेन वैल्यू कितनी आएगी? 75 ही आएगा. यहाँ पे आ गया कितना आपके पास में?
75, ये 6 इसके साथ में कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये आ गया आपके पास 25 थी 75, 25 पाँच 125, 5 से बेटा कितना हो गया 2, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 60। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द स्पीड ऑफ कार इज, स्पीड ऑफ कार इज 2x, ओके, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास 2 × 60 मीन्स 120, सो योर आंसर विल बी 120 किलोमीटर पर आवर, कितना आ जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। कोई इसके अंदर डाउट, क्लियर है सभी को, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डाटा सफिशियंसी की फॉर्म में, क्या है क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड एक्स टेक टू रीच द डेस्टिनेशन, हाउ मच टाइम डिड एक्स टेक टू रीच द डेस्टिनेशन। अब साथ में आपके पास में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:4, एक्स और वाई की स्पीड की रेशियो कितनी है आपके पास में 3:4, ओके। अब यहां पे देखो हमें क्या चाहिए, हाउ मच टाइम, टाइम आपको चाहिए है ना, तो टाइम के केस के अंदर यहां पे आपके पास में क्या आ जाएगा, टाइम की रेशियो क्या है बेटा 4:3, सिर्फ इतना ही आ रहा है। हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम के फर्स्ट स्टेटमेंट से, बट यहां पे हम टाइम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ओके, दैट मींस फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर, इससे हमारे पास में आंसर नहीं आएगा। अब सेकंड क्या कह रहा है, वाई टेक्स 36 मिनट्स टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, कह रहा है कि वाई को 36 मिनट्स लगते हैं, अगर वाई को 36 मिनट लगते हैं सिर्फ हमारे पास में इसके और इसके बेस पे क्या आप आंसर कर सकते हो, नहीं कर सकते, दैट मींस कि ये भी सफिशिएंट नहीं है। तीसरा स्टेप क्या आता है कि दोनों को कंबाइन कर दीजिए, दोनों को कंबाइन कर देते, क्या कंबाइन करना है कि भाई y 36 मिनट्स ले रहा है और दोनों की जो रेशियो है टाइम की वो कितनी है 4:3 है, तो वहां पे देखो y इज इक्वल टू 36, दैट मींस कि ये 36 मिनट्स के इक्वल है, 3 इज इक्वलेंट टू 36, दैट मींस 1 इज इक्वलेंट टू 12, दैट मींस कि 4 इज इक्वलेंट टू 48 मिनट्स, क्लियर, कितना आ गया आपके पास 48 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहां से आप देख सकते हो कि क्या आ जाएगा आपके पास में, हाँ जी, दोनों को मिला के आंसर आ रहा है। अब आपको आंसर निकालने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद को बस यहाँ से पता होना चाहिए कि यहाँ पे मेरे पास रेशियो आ गई और टाइम गिवन है, तो मैं इसको कंपेयर करके आंसर निकाल सकती हूँ, ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट, हाँ जी। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, जब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो सी सेट के लिए, तो सी सेट के अंदर आप लोगों को अभी पीडिया फुल फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, जिसके इसके अंदर आप लोगों को अगर माइक्रो कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज। अब बात करते हैं कि माइक्रो कोर्सेज क्या है मैडम, तो माइक्रो कोर्स मीन्स व्हाट, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मुझे तो नंबर सिस्टम प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो आप सिर्फ नंबर सिस्टम ले सकते हो। सेम वे अगर आप कहते हो कि हाँ जी मुझे तो प्रॉफिट लॉस करना है, या मुझे स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस डिटेल में करना है, बेसिक से स्टार्ट करना है, मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। तो उसके लिए बेटा कहाँ पे जाना है आपको, माइक्रो कोर्सेज पे जाना है, ओके। इसके बाद में है दूसरा, मॉड्यूल कोर्सेज के थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। मॉड्यूल कोर्सेज क्या है कि अगर आप कहते हो कि मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर इंग्लिश किसी में भी प्रॉब्लम है, तो आप सिर्फ उस पर्टिकुलर को ले सकते हो, क्वांट भी ले सकते हो, आप लॉजिकल रीजनिंग भी ले सकते हो, इंग्लिश भी ले सकते हो, आपको कंप्लीट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा है अपने पास कंप्लीट, कंप्लीट तो नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ जी कंप्लीट कोर्स, इसके अंदर भी दो है, वन इज कंप्लीट कोर्स और दूसरा आपके पास में स्पेशल क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपके पास है कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो बेटा, कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, क्रैश कोर्स लेना चाहते हो, ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स है, आप शॉर्ट टर्म कोर्स ले सकते हो, ओके, क्योंकि अभी वन मंथ ही अपने पास में, वन मंथ के अराउंड ही टाइम है, ज़्यादा टाइम है नहीं। अब इसी बात को ध्यान रखते हुए, हाँ जी, अभी पीडिया ने जो फुल सब्सक्रिप्शन आपके वन ईयर की होती थी, उसको हमने आप लोगों के लिए वन मंथ के लिए इसको चेंज किया है कि आप सिर्फ एक महीने की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप वन मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो, इन दैट केस आपको जितना भी मटेरियल है, लाइक माइक्रो कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, इवन टेस्ट सीरीज,
आपको सभी एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा, मीन्स वन मंथ के लिए आपकी सभी पे एसेस रहेगी फुल। आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो, कितने भी माइक्रो कोर्सेज दे सकते हो, ठीक है ना। जो भी माइक्रो कोर्स आपको चाहिए वो भी आपका साथ में ही है, ठीक है। साथ में ही आपके पास क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको अवेलेबल रहेगा अगर आप वन मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो। एंड दिस इज़ वेरी रीजनेबल, ओनली इन 1500। ओके, तो आप इसको ले सकते हो फुल सब्सक्रिप्शन। आई थिंक दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2022, जिसका अभी 2022 के अंदर जून में एग्जाम है, तो उनके लिए वन मंथ है बेटा, वन मंथ के लिए आपको फुल सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तो आप वो इसको ले सकते हो। ओके, तो अभी आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। टेस्ट सीरीज तो बेटा मस्ट है, जो भी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ओके, हाँ जी, आते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन? ए मैन कंप्लीट ए जर्नी इन 10 आवर्स। एक मैन 10 आवर्स के अंदर अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। ही ट्रेवल फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी एट द रेट ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द टोटल जर्नी इन किलोमीटर। कह रहा है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। टाइम आपके पास गिवन है, जब भी आपके पास टोटल टाइम गिवन होता है और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए बिल्कुल ही सिंपल सा, एक तो आपके पास में फॉर्मूला है, क्या है, हाँ जी, हाफ हाफ जो डिस्टेंस है ना, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दी ट्रेवल फर्स्ट हाफ इन एट द रेट ऑफ 21 एंड सेकेंड हाफ एट द रेट ऑफ 24। हाफ हाफ That means कि इक्वल इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। आप ये कह सकते हो अगर ये x है तो बेटा ये भी x है, समझ रहे बात? तो इस तरह से, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक तो वही फॉर्मूला आप कर सकते हो, क्या कहता है फॉर्मूला कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्पीड्स इंटू टाइम, जो भी आपके पास में टाइम गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम स्पीड की बात करें, फर्स्ट स्पीड इज 21, सेकंड स्पीड इज 24, अगर आप दोनों को ऐड करते हो दिस इज 45, टाइम कितना गिवन है आपके पास 10 आवर्स। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गया आपके पास, ये हो गया 5 से, 3 से करेंगे बेटा तो 3 से ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 7। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, ये हो गया 8 × 16 और 16 से ही हो गया बेटा आपके पास में, क्लियर? 16 × 7 = 112 हो गया, क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास में डिस्टेंस। अब ये कौन सा डिस्टेंस आता है, ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस है। अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 112 × 2, दैट मीन्स कितना आ गया 220। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास 224। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक पर्सन ना घर से ऑफिस गया इतनी पर्टिकुलर स्पीड से, वहाँ से वापस घर आया ऑफिस से कुछ डिफरेंट स्पीड से, तो बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि अगर ऐसे गया और फिर वापस आया, उस केस में बेटा ये जो है डिस्टेंस, ये डबल के बजाय क्या रहेगा, जो आपका आंसर आया होगा वही आएगा। बट अगर मान लो स्ट्रेट में इस तरह से गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्लियर? दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। देखिए, अगर मैं कहूँ कि टोटल उसको टाइम कितना लगा है, 10 आवर्स का टाइम लगा, 10 आवर्स का उसको टाइम लगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर टाइम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, टाइम कैसे फाइंड आउट करते हो आप, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, x डिवाइडेड बाई 21 प्लस दूसरा कितना, x डिवाइडेड बाई 24, टोटल टाइम इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे, अगेन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे 2x कर दिया, छुट्टी, क्लियर? समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टू बाइक राइडर राइड इन अपोजिट डायरेक्शन इन ए सर्कुलर डायरेक्शन अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट। बाइकर ए राइड्स एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड बाइकर बी राइड्स एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। इफ द ट्रैक हैज ए डायमीटर ऑफ 40 किलोमीटर देन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट।
दिस इज द क्वेश्चन. अब देखो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक गिवन है आपके पास में, दोनों कैसे जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, एक ने ऐसे चलना शुरू कर दिया एक ने ऐसे. क्लियर. तो जब भी कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि दो ऑब्जेक्ट हैं दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन और उनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना है, तो उस केस के अंदर क्या होगा बेटा, रिलेटिव स्पीड लेके चलेंगे. रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, हाँ जी अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, स्पीड वन प्लस स्पीड टू, दोनों की स्पीड एड अप हो जाएगी. ठीक है. और क्या करेंगे हम, टाइम के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड. अब यहाँ पे देखो कि आपके पास में स्पीड अगर हमें देखूँ तो क्या कह रहा है कि पहले की स्पीड कितनी है 16 और दूसरे की कितनी है 14, कितना हो गया टोटल 30 किलोमीटर पर आवर. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो अगर हम डिस्टेंस यहाँ से देखें तो इसने डिस्टेंस तो दिया ही नहीं हुआ, क्या कहा आपको कि उसका डायमीटर 40 किलोमीटर है. डायमीटर कितना है 40 किलोमीटर है, दैट मीन्स कि रेडियस कितना हो गया आपके पास में 20 किलोमीटर. ठीक है. या आप यहाँ से अपने पास में जो आप ये लगा के चलो, अगर यहाँ से यहाँ तक का बेटा पूरे का पूरा डिस्टेंस आप देखते हो तो क्या बनेगी, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर. क्या बोलते हैं, पैरामीटर. ठीक है. तो इसके लिए आप क्या करोगे, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाओगे. पैरामीटर का फॉर्मूला क्या आता है, टू पाई आर और यू कैन से आपके पास में आ जाएगा पाई इंटू डी. डी मीन्स डायमीटर. इस डी में और इस डी में कंफ्यूज नहीं होना. डन. तो अब आपके पास में डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पाई 22/7, डी इज 40, दिस इज 880/7 किलोमीटर. ओके. अब क्या फाइंड आउट करना आपको, टाइम. अब तो इजी, अब तो कुछ भी नहीं कर लेंगे, सभी के सभी आ जाएगा आंसर. टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड. डिस्टेंस इज 880, ओके, एंड स्पीड इज 30. करो सोल्व, कितना आ गया. हाँ जी ये हो जाएगा आपके पास में, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, 88 डिवाइडेड बाई 21, 21 चौके 84, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट आगे कैलकुलेट कर लेना, 1 कुछ आएगा. तो ये अपने पास में आ गया ऑप्शन सी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगेन डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है. क्या है क्वेश्चन, टू कार्स पास ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन. दो कार है, हाउ लॉन्ग वुड दे टेक टू बी 500 किलोमीटर अपार्ट. ये डिस्टेंस कितना है 500 किलोमीटर. कह रहा है कि दोनों कब क्रॉस करेंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके. हाउ लॉन्ग वुड दे टेक, टाइम आपको फाइंड आउट करना है. तो आप देखो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए, दोनों की स्पीड पता होनी चाहिए. अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के अंदर या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर तो क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे. और जब अपोजिट डायरेक्शन में करें दैट मीन्स कि क्या लेंगे, सम ऑफ स्पीड्स लेंगे. तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, सम के बराबर रहेगी. अगर मेरे पास में रिलेटिव स्पीड है, डिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स आई कैन फाइंड आउट द टाइम. अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये देखो कि मेरे पास में कौन सी स्टेटमेंट से ये चीजें मिल रही है, बस. अब देखो यहाँ पे क्या कर, द सम ऑफ देयर स्पीड्स इज 135. हमें क्या चाहिए, सम ही चाहिए फाइनली, डिस्टेंस भी है सम भी है, दैट मीन्स कि हम टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, मीन्स हम आंसर निकाल सकते हैं. दूसरा क्या है, द डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड इज 25. कह रहा है डिफरेंस तो मुझे चाहिए ही नहीं, डिफरेंस की हेल्प से तो मैं नहीं निकाल सकती, तो ये क्या हो गया, इससे नहीं. तो आंसर क्या आ जाएगा, वन अलोन इज सफिशियंट टू गिव द आंसर. ओके. सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो टाइम के लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है. जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, अब जैसे टाइम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो टाइम के लिए मुझे क्या चाहिए, एक से आपके पास डिस्टेंस होना चाहिए, आपके पास स्पीड होनी चाहिए. ओके. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. क्लास इज ओवर.